रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस शिविर में क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदान से पूर्व रक्त देने आए लोगों का चिकित्सकीय जांच भी किया गया। शिविर एकत्र रक्त को मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक विभाग को सौंप दिया गया। शिविर के दौरान रोटरी क्लब गोरखपुर के अध्यक्ष एच आर जायसवाल, महासचिव महावीर प्रसाद कंदौई, अमित शंकर, मादादंता सिंह, अजय जायसवाल, मनीष जायसवाल सहित क्लब के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्लब के महासचिव महावीर प्रसाद कंदौई ने कहा कि रक्त के अभाव में हजारों लोग असमय मौत के गाल में समा रहे हैं। अगर समाज का हर तबका रक्तदान करने लगे तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के तहत रोटरी क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, रोटरी क्लब गोरखपुर जो कि रोटरी संस्थल की एक शाखा है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष डॉक्टर्स डे पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर का आयोजन बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस द्वारा टीम द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि चूंकि एक रक्तदान महापुण्य का काम है, इसलिए रक्तदान जीवन दान, तो हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो रक्त दिया गया है उससे बीमार व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता उनको ब्लड मिले। ये होता है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी मौतें जो है रक्त की कमी के कारण या दुर्घटना हो जाती है या बीमारी जाती है, उनको रक्त न मिलने के कारण, या सेना पे भी जैसे वार होती है रक्त न मिलने के कारण जो मौतें होती हैं, उनके लिए लोगों को जीवन मिल सके, समय पर रक्त मिल सके, ये हमारा उद्देश्य। हम टीवी के माध्यम से कि रक्तदान के बारे में भ्रांति है कि रक्तदान देने से शरीर को कोई खतरा होता है, कोई बीमारी नहीं जाती, उनको ये बताना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई रोटेरियन ऐसे हैं जो कि 20 बार 30 बार तक रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान 30 दिन 3 महीने में दोबारा रक्त बन जाता है। तो हमें कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान दें ताकि आवश्यकता पड़ने में लोगों का जीवन बच सके, उनको जीवन दान मिल सके।